सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाउंड्री ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री गिवन है एंड हमें क्या करना है, उसके बाउंड्रीज को प्रिंट करनी है। अच्छा, किस ऑर्डर में प्रिंट करना है? तो सबसे पहले क्या आएंगी, लेफ्ट बाउंड्रीज आएंगी, देन हमें लीफ नोट्स को प्रिंट करना है, एंड देन हमें रिवर्स राइट बाउंड्री नोट्स को प्रिंट करना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से। तो ऐसा कुछ हमारे पास बाइनरी ट्री गिवन है, हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो रूट नोड को प्रिंट करना है, तो रूट नोड आ जाएगा। देन हमें क्या करना है, लेफ्ट नोड्स को प्रिंट करना है, तो लेफ्ट हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है जो कि है 2। एंड देन हमें क्या करना है, लीफ नोड्स को प्रिंट करना है, तो लीफ नोड कौन कौन से हो जाएंगे, 4, 8, 9, 6 एंड 7। तो ये पाँचों जो है लीफ नोड्स हो जाएंगे, तो 4, 8, 9, 6 एंड 7। एंड देन हमें क्या करना है, राइट वाले नोड को प्रिंट करना है, राइट नोड्स को प्रिंट करना है जो कि है 3। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा आउटपुट हो जाएगा एंड यही सेम आउटपुट यहाँ भी आ रहा होगा, तो 1, 2, 4, 8, 9, 6, 7, 3। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे गाइस, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेफ्ट बाउंड्री को प्रिंट करना है, देन हमें लीफ नोड्स को प्रिंट करना है, एंड देन हमें राइट बाउंड्रीज को प्रिंट करना है इन रिवर्स ऑर्डर। मैं थोड़ा बड़ा ट्री बना लेता हूँ जिससे कि आपको और इनसाइट मिल जाएगी कि हम लोग एक्चुअल में करने क्या वाले हैं इस बाइनरी ट्री में। तो लेट सपोज ऐसा कुछ हमारे पास बाइनरी ट्री है, ऐसा कुछ हमारे पास बाइनरी ट्री है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बाउंड्रीज को प्रिंट करना है। तो हमें क्या पता चल रहा है, एक तो रूट नोड है सबसे पहले, तो इसको तो अलग ही हम लोग ऐड कर लेंगे एरे लिस्ट में या फिर वेक्टर में, जिसमें भी हमें ऐड करके रिटर्न करना होगा, तो रूट नोड को तो हम लोग ऐड कर लेंगे। अब हमें क्या पता चल रहा है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, अब हमें लेफ्ट नोड्स जो भी है सबसे पहले उनको प्रिंट करना है, देन हमें क्या करना है, हमें लीफ नोड्स को प्रिंट करना है। तो ये सारे हमारे क्या है, लीफ नोड्स हैं, तो हम लोग देन इसको प्रिंट करेंगे, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, राइट वाले नोट्स को प्रिंट करेंगे। बट राइट वाले नोट्स को हम लोग डायरेक्ट ऐसे प्रिंट नहीं करेंगे, लेट सपोज ये 3 है एंड ये 7 है, तो हम लोग 3 एंड 7 प्रिंट नहीं कर देंगे, हम लोगों को क्या प्रिंट करना होगा, 7 एंड 3 को प्रिंट करना होगा। डैट मीन्स हमें रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है राइट वाले नोट्स को। तो इस पिक्चर को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन को हमें 3 पार्ट में सॉल्व करना होगा। सबसे पहला तो रूट नोड है, तो उसको तो छोड़ दीजिए, तो रूट नोड को तो हम लोग सिंपली ऐड कर लेंगे। पहले क्या करना होगा हम लोगों को, पहले हम लोगों को लेफ्ट वाले जो भी नोट्स हैं उनको प्रिंट करना होगा। देन हम लोगों को क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा जो हमें क्या करके देगा, लीफ नोट्स को प्रिंट करके देगा। एंड थर्ड फंक्शन हमें बनाना होगा जो हमें क्या करके देगा, हमें रिवर्स ऑर्डर में जो भी राइट नोट्स है उनको प्रिंट करके देगा। तो मैं थोड़ा सा कोड लिखता हूँ गाइस, फिर आपको यहाँ पे आके समझाऊंगा। तो थोड़ा हम कोड लिखेंगे, फिर जाके वहाँ देखेंगे कि हम लोग को और क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमें क्या करना है, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर को रिटर्न करना है। तो हम लोग एक एरे लिस्ट बना लेंगे, सबसे पहले एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, लेट्स से रिजल्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। हमें एरे लिस्ट रिटर्न करना है, तो हमने एरे लिस्ट बना लिया एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न रिजल्ट। तो ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छा उससे पहले हम लोग एक चेक कर लेते हैं कि अगर इफ़ नोड अगर हमारे पास नल है तब तो हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तब तो कोई बाउंड्री नहीं होगी, तो हम लोग क्या कर देंगे, एम्प्टी एरे लिस्ट को रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया। अब अगर लेट सपोज कि हमारा जो नोड है वो नल नहीं है, तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिजल्ट में हम लोग ऐड कर देंगे रूट डॉट डेटा को। क्यों ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि सबसे पहले जो भी बाउंड्री ट्रेवर्सल में नोड आएगा उसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले रूट नोड आएगा, जैसा कि आप लोग हर एग्जांपल में देख सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने रूट नोड को ऐड कर लिया। अब मैंने क्या बोला था कि अब हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें क्या करके देगा, लेफ्ट नोड्स को ऐड करके देगा। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, वॉइड लेट से ऐड लेफ्ट नोड्स, एंड इसको हम लोग पास करेंगे रूट नोड, एंड हम लोग पास करेंगे एक एरे लिस्ट, तो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, जिसमें कि ये क्या करेगा, उन नोड्स को इस एरे लिस्ट में ऐड कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नोड करेंट इक्वल्स टू हम लोग क्या कर लेंगे, रूट नोड को रख लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, हम लोग एक लूप चलाएंगे कहाँ तक, जब तक हमारा जो करेंट है वो हमारा नल ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक और फंक्शन हम लोग बना लेते हैं जो कि हमें बता देगा कि हमारा जो करंट नोड है वो लीफ नोड है या नहीं। तो बूलियन इज लीफ के नाम से मैं बना रहा हूँ, इसमें हम लोग एक नोड पास करेंगे, तो ये हमें क्या बता के देगा कि ये जो है लीफ नोड है या नहीं। तो अगर लेफ्ट हमारा नल है एंड हमारा जो राइट है रूट नोड का वो भी नल है, तो क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करके देगा। मैंने यहाँ पे एंड का सिंबल लगाया है कि अगर लेफ्ट एंड राइट दोनों नल है तो यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ़ नॉट इज लीफ, अगर वो लीफ नोड नहीं है
तब हम लोग को ऐड करना है, अदरवाइज हम लोगों को ऐड नहीं करना है, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, लेफ्ट नोट्स को ऐड कर रहे हैं। तो लेफ्ट नोट्स में हमारे पास लीफ नोट्स नहीं आने चाहिए। तो अगर लीफ नोड नहीं है करंट, तब क्या करेंगे हम लोग, इस रिजल्ट में ऐड कर लेंगे अपने करंट डॉट डेटा को। इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, देन हम लोग चेक करेंगे कि इफ करंट डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, देन हम लोग क्या कर देंगे, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट लेफ्ट। एंड अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में हम लोग क्या कर देंगे, करंट इक्वल्स टू करंट डॉट राइट। तो ये हमारा सिंपल सा फंक्शन है गाइज, जो कि क्या करके देगा हम लोगों को, लेफ्ट वाले सारे नोट्स को ऐड कर देगा इस एरे लिस्ट में। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट नोड को ऐड करने वाला फंक्शन बन गया। अब इसी तरह काफ़ी सिमिलर होगा जो कि राइट नोड्स को ऐड करने वाला फंक्शन होगा। तो इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पर, लेफ्ट नोड की जगह इसको राइट नोड लिख देता हूँ। तो ये राइट नोड हो गया। एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सेम काम करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है गाइस, हमें क्या बोला गया है, रिवर्स राइट बाउंड्री नोड्स होगा। तो लेट सपोज़ कि अगर राइट नोड्स 3 एंड 7 आ रहे हैं, तो इसको क्या करना होगा, हम लोगों को रिवर्स करना होगा, क्योंकि हमें 7 एंड 3 चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिएगा कि मैं यहाँ पे एक एरे लिस्ट बना रहा हूँ, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, लेट्स से टेम्प इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। एंड हम लोग क्या करेंगे, इस एरे लिस्ट में ना ऐड करते हुए, हम लोग रिजल्ट वाले में ना ऐड करते हुए, हम लोग किस में ऐड कर देंगे, इस टेम्प्रोरी वाले में ऐड कर देंगे। एंड जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, तो सारे राइट नोट्स जो है उस टेम्प्रेरी वाले में ऐड हो चुके होंगे, टेम्प्रेरी वाले एरे लिस्ट में। देन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिवर्स कर देंगे। तो हमारे पास एक मेथड है गाइस कलेक्शंस में, कलेक्शंस डॉट रिवर्स, जो कि कलेक्शन लेता है एंड उसको रिवर्स कर देता है। तो इस मेथड में हम लोगों ने इसको पास कर दिया एंड ये अब रिवर्स हो चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक एक वैल्यू उठाएंगे एंड हम लोग अपने रिजल्ट वाले वेरिएबल में ऐड कर देंगे। तो रिजल्ट डॉट ऐड आई, तो ये राइट नोड को ऐड करने वाला फंक्शन बन गया। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया है, हम लोगों ने एक फंक्शन लिख लिया है जिससे लेफ्ट नोड्स ऐड हो जाएंगे। देन हमने एक फंक्शन लिख दिया है जो कि रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में राइट नोड्स को ऐड कर देगा। तो ये दो फंक्शन हो गया। अब एक लास्ट फंक्शन बचा है जो कि लीफ नोड है, जो कि लीफ नोड्स को ऐड करेगा। तो एक और फंक्शन हम लोग बना लेते हैं। तो एक फंक्शन और हमें बनाना है जो कि क्या करेगा, लीफ नोड्स को ऐड करेगा। तो void add leaves लिख लेते हैं। एंड इसमें भी हमारे पास सेम रहेगा, एक रूट नोड रहेगी एंड हमारे पास एक एरे लिस्ट रहेगा जिसमें हम लोगों को डेटा ऐड करना होगा। तो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर रिजल्ट। सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ़ इज लीफ है, अगर हमारा जो करेंट नोड है वो अगर लीफ नोड है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में ऐड कर देंगे रूट डॉट डेटा को। ये सिंपल सा हमारा काम रहेगा। एंड इफ हम लोग चेक कर लेंगे कि इफ करेंट डॉट लेफ्ट जो है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, नॉट इक्वल्स टू नल है, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग ऐड लीव्स को कॉल कर देंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। तो रूट डॉट लेफ्ट एंड रिजल्ट। एंड सिमिलरली हम लोग ऐसे ही कर देंगे राइट नोड के लिए कि इफ करेंट डॉट राइट अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो ऐड लीव्स राइट के लिए। सो रूट डॉट राइट एंड रिजल्ट। अच्छा, यहाँ से हम लोगों को रिटर्न भी करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे तो एक्सेप्शन आ जाएगी। कभी भी हमें लीफ नोड मिल रहा है तो लीफ नोड को ऐड करेंगे और वहाँ से हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। तो ये हो गया ऐड लीव्स वाला, ये हो गया लेफ्ट नोड को ऐड करने वाला फंक्शन एंड ये हो गया राइट नोड को ऐड करने वाला फंक्शन। अच्छा, एक गलती है यहाँ पे पहले हम लोग राइट नोड को ऐड करेंगे, देन हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट नोड को ऐड करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ यहाँ क्या किया था अपन ने। तो हम लोगों ने क्या कर दिया था, हम लोगों ने एक गलती कर दी थी कि हम लोगों ने लेफ्ट नोड को पहले ऐड कर दिया था। लेफ्ट नोड को हम लोग नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट नोड्स को ऐड कर रहे हैं। तो राइट नोड्स को ऐड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि अगर राइट नोड एग्जिस्ट करता है तो तब राइट नोड को ऐड करें, अगर वो राइट नोड एग्जिस्ट नहीं करता है तब हम लोग लेफ्ट नोड को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे वो थोड़ी सी गलती थी, तो उसको मैंने करेक्ट कर दिया। अब हमारा जो तीनों फंक्शंस है वो बन चुके हैं। तो अब हम लोग सिंपली कॉल कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को लेफ्ट नोड्स को ऐड करना है। तो हम लोग यहाँ से कॉल करेंगे ऐड लेफ्ट नोड्स एंड यहाँ पे हम लोग कॉल कर देंगे ऐड लेफ्ट नोड को एंड यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे रूट नोड एंड हमारा एरे लिस्ट। देन हम लोगों को क्या करना है, लीफ नोड को ऐड करना है। तो लीफ नोड्स वाला फंक्शन हम लोग कॉल कर देंगे यहाँ से, इसको हम लोग पास कर देंगे रूट एंड रिजल्ट। एंड सिमिलरली अब हम लोगों को क्या करना है, राइट वाले नोड्स को ऐड करना है। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे रूट एंड रिजल्ट। अच्छा, रूट यहाँ पे सिर्फ पास नहीं करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट पास करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने रूट नोड को तो ऐड कर ही लिया है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे रूट डॉट राइट पास करेंगे। तो ये हो गया एंड आई थिंक हमारा कोड हो चुका है। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं।
अगर कहीं पे कंपाइल टाइम एरर होगी तो वो आ जाएगी। हाँ कंपाइल टाइम एरर है, कैन नॉट फाइंड सिंबल रूट, तो यहाँ पे रूट नहीं होगा, यहाँ पे होगा नोड, या फिर इसको ही हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग रूट कर देते हैं एंड यहाँ भी रूट कर देते हैं। अगेन कंपाइल करते हैं, फिर से कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल करेंट, करेंट फाइंड नहीं हो रहा है, करेंट तो है लाइन नंबर 131 में, 131 में करंट फाइंड नहीं हो रहा है। अच्छा यहाँ पे करंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा रूट, अगर रूट डॉट लेफ्ट नल नहीं है तब हमें काम करना है एंड रूट डॉट राइट। तो ये दो मिस्टेक्स और थी, फिर से चेक कर लेते हैं और कहीं कंपाइल टाइम एरर है क्या। तो अब कहीं एरर नहीं है, तो अब इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारा कोड जो है वो रॉन्ग आंसर दे रहा है, क्यों? क्योंकि इनपुट था 1 एंड हमारा कोड का आउटपुट था 1 1। अच्छा ठीक है, एक और चेक करना पड़ेगा हमें गाइस कि इफ़ जो है हमारा, अगर रूट नोड जो है वो लीफ है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रूट नोड है हमारे पास और कुछ नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे यहाँ से भी। समझ रहे हो क्या दिक्कत हुई थी? दिक्कत ऐसी हुई थी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या था, सिर्फ एक ही नोड था, उसका लेफ्ट भी नल था एंड उसका राइट भी नल था, तो ये दिक्कत था। तो इसमें क्या हो जा रहा था, ये वाला नोड जो है 2 बार ऐड हो जा रहा था। तो अब हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर वो पहले से ही लीफ है तो सिर्फ इसी नोड को ऐड करके हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो ये एरर थी गाइस एंड आई थिंक कि अब हमारा कोड जो है वो परफेक्ट वर्क करना चाहिए। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आपको क्लियर होगा गाइस। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने बस एक बड़े क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों के पास एक बाइनरी ट्री थी, लेट सपोज ऐसा हमारे पास बाइनरी ट्री था बहुत सारा, तो हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। सबसे पहले लेफ्ट वाले नोड्स जितने भी है, देन हमारे लीफ नोड्स, तो ये सारे नोड्स हम लोगों के आ जाएंगे, देन हमने क्या किया राइट वाले नोड्स, तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया एंड 3 अलग अलग फंक्शन बना लिए जो कि इन नोड्स को ऐड कर देगा एंड देन हमने सिंपली रिटर्न कर दिया अपने मेन वाले एरे लिस्ट को। तो काफ़ी सिंपल सा कोड था गाइज एंड आई होप कि ये पूरा डिस्कशन आपको क्लियर होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइज, थैंक यू।